ग्राम उमरिया पंचायत के ग्रामीणों ने फर्जी दस्तावेज प्रेस कर नामांकन भरने की प्रत्याशी सीताबाई पर लगाए आरोप। फर्जी दस्तावेज के साथ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, नामांकन निरस्त करने की मांग। रतलाम जिले की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है प्रत्याशी का नाम। शासन की कई योजना का ले चुके हैं रतलाम में लाभ। 3 घंटे में बिना दस्तावेज के एसडीएम के बाबू ने जारी किया महिला का जाति प्रमाण पत्र। खड़े हुए कई सवाल। सर बताएं, जो उमरिया में फर्जी दस्तावेज कर प्रत्याशी ने जाति प्रमाण पत्र बनाया है और अन्य जगह भी वोटर लिस्ट में नाम है और कई सुविधाओं का लाभ ले चुका है, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार जांच की जाएगी? पंचायत चुनाव में आज संवीक्षा कर रहे स्कूटनी होना जो आवेदन कल तक प्राप्त हुए हैं सरपंच पंच जनपद के उनकी सबकी स्कूटनी यहाँ से की जा रही है, तो उसमें उमरिया में जो सरपंच पद के लिए आपत्ति आई है उस आपत्ति का अभी जब हम लोग अभी समीक्षा करेंगे तो विधिमान्य तरीके से जो भी उसके नियम है उसके अनुसार दोनों पक्ष को सुन के फिर निराकरण करते हैं। कौन सी पंचायत का मामला और क्या मामला है? ग्राम पंचायत उमरिया का मामला है। वहाँ की प्रत्याशी उम्मीदवार है सीताबाई, जो आज से 6 साल पूर्व यहाँ से चली गई है। उसने वहाँ की वोटर लिस्ट भी बनवा ली है जो बजरंग नगर 28 में द्वार क्रमांक 28 में निवास कर रही है और उसमें कौन सी जगह है बजरंग नगर रतलाम है ना, और वहाँ से आवास योजना का लाभ भी ले लिया है। चल रहा है उसने सरपंच का सुना कि यहाँ उमरिया में एसटी की सीट हो गई है और तुरंत सुनते ही वो उमरिया पहुँची, क्योंकि उसने फर्जी दस्तावेज देख आधार कार्ड मान से जाति प्रमाण पत्र बना लिया, जबकि कल की 6 तारीख में जमा करा फॉर्म उन्होंने और 3 घंटे में उनने जाति प्रमाण पत्र बना लिया। ऐसे फर्जी जो है सरपंच नहीं है, ये हमारे गांव का विकास क्या करें? आपने उसकी शिकायत करी? हम तहसीलदार साहब को दे रहे हैं, ज्ञापन अभी मैडम को एसडीएम मैडम को दे रहे हैं, ये क्या करते हैं ये यहाँ नहीं सुनेंगे हमारी, हम उज्जैन कलेक्टर साहब को जाएंगे, कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे तो हम हाईकोर्ट पहुँचेंगे। अगर हम ऐसे सरपंच को नहीं सुनना चाहते हैं जो अभी से इतना फर्जी वाला कर रहा है, आगे के लिए क्या करेगा वो? क्या मामला है भारतीय पंचायत का और किस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया? फर्जीवाड़ा ये है सर कि यहाँ से आदमी भी चला गया है, 5 साल हो गए उसको, वोटर लिस्ट में नाम उसका, वोटर लिस्ट नाम से वजह से उसने फार्म भर दिया है नहीं, लेकिन एड्रेस भी उसका पूरा नहीं दिया है, और यहाँ के एसडीएम मैडम साहब ने साइन कर दिया, वो कर दिया है वो खारिज करा जाए, 420 में केस चलाए। अन्य जगह पर भी नाम जुड़ा है? अन्य जगह में रतलाम में सर, वहाँ से 2016 में है ना, 2016 में आवास क्या मांगे आपकी? आवास अधिकारी से यही है कि सर ये खारिज करें, निरस्त करा जाए सर। मैं चुनाव आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।